बिस्मिल्लाह रहमान रहीम प्रोग्राम न्यूज़ टॉक से गड आऊँ अहियाँ नसीर गोपांग अज के असि प्रोग्राम की जी मेहमान शख्सियत है वह कें भी तारुफ़ जहा मोहताज नाहन मट पान आन जी सिंधी में चबो आ मुल्क की तारीख़ हुए सियासत की तारीख़ हुए जो कुछ इन मुल्क में थी गुजर गुजरियल 70 साल का वो संदस अखियन के आडो थी गुजर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहाँ इंतई सीनियर अगुवाण आन केतर ही उहदन पा रहा सेनेटर ताज हैदर साहब अस मेहमान हैं। ताज हैदर साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। सर अगर हम बातचीत की शुरुआत इससे शुरू करें जैसे आपकी नज़र से भी गुजरा होगा कुछ दिन पहले जो आला अदलिया है उनके चीफ जस्टिस साहब ने ये बयान दिया था कि अगर असेंबली में देखते हैं वहाँ पर शोर है क्रिकेट के हवाले से अच्छी खबरें नहीं आ रही मईशत के हवाले से अच्छी मतलब टेलीविज़न देखते हैं तो डिप्रेशन सी हो जाती है। एक आला इदारे के जो सरबराह हैं उनकी अगर हालत ये है और जाहिर सी बात है मुल्क हालात हमारे ऐसे ये जो गैर यकीनी वाली सूरत हाल है चीफ जस्टिस साहब का बयान या आम लोगों से जिससे आप मिलें व्यापारी हों ताजर हजरात उनकी हड़ताल चल रही है तो मुल्क हालात आपका सारी उम्र इसमें गुजरी तो किस तरह देखते हैं ये जो तब्दीली सरकार आई है सबको ही परेशान करके बैठी है। नहीं हम देखते नहीं हैं मोहतरम चीफ जस्टिस देख रहे हैं और बहुत से लोग देख रहे हैं तो वो कभी डिप्रेस होते हैं कभी खुश होते हैं लेकिन जो आदमी जंग लड़ रहा है या जो पार्टी जंग लड़ रही है वो डिप्रेस होना वो उसके पास ये ऑप्शन है ही नहीं उसे तो वहाँ लड़ना है और मामले को आगे ले जाना है और कौम को आगे ले जाना है तो जाहिर है कि हमारे पास डिप्रेशन की गुंजाइश नहीं है। लेकिन आम जो लोग हैं वो भी तो ज़ाहिर गैर यकीनी वाली है ना क्या होने जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा मईशत को देख लें महंगाई को देख लें जब फैसला कुन लम्हात आते हैं कि भाई अब फैसला होना है कि हुकूमत आवाम की होगी कि एस्टेब्लिशमेंट की होगी एक बहुत बड़ा फैसला है हम जमहूरियत चाहते हैं या आमरियत चाहते हैं बहुत बड़ा फैसला है मज़हबी इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को हम इजाज़त देते हैं या इसको हम क्रश करते हैं तो फिर इस किस्म के हालात होते हैं और उसमें होता यह है कि बहुत से घबरा जाते हैं बहुत से जो हैं वो कहते हैं नहीं खतरा है और हट जाओ लेकिन लाखों ऐसे लोग हैं कि जो निकलते हैं बाहर और कहते हैं कि अब फैसले का वक्त आ गया इस वक्त घर में बैठना बुज़दिली है। मैं यही देख रहा हूँ जिस तरीके से हम सोशल मीडिया देखते हैं या जिस तरीके से लोग आम बात करते हैं वो जो कैफियत हज़रत शाह साहब ने बताई है मुल्क मिलो ही मंसूर तो वो कहता मुल्क मिलो ही मंसूर वाली कैफियत आ गई है। इस वक्त ये है कि दो रास्ते हैं या तो इंतशार फैल जाए या कोई सियासी जमात हो जो इन ताकतों को ये जो एनर्जीज निकल रही हैं और उनको वो सही रुख पे एक तामीरी रुख पे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कोशिश कर रही है कि मामले को हाथ से ना निकाला जाए मुल्क में इंतशार ना फैला जाए बहुत से हमारी जो आपको स्टेप्स हैं इकदाम हैं वो आपको लगेंगे कि नहीं ये उसूली तौर पे ठीक नहीं है लेकिन अमली तौर पे हमें देखना है कि हाँ अगर समझौते से मुल्क आगे जाता है तो फिर समझौता कर लिया जाए अगर इस वक्त लड़ना है जंग करनी है तो फिर लड़ा जाए जंग की जाए ये सूरत हाल है। लेकिन ये कि जाहिर है कि अब मुल्क मज़ीद नीचे तो नहीं जा सकता इसको ऊपर ही जाना है और इसको ज़रूरत है ऐसी क़यादत की और ऐसे लोगों की कि जो इसको सही रास्ते पर लगा सके। तो जैसे आपने भी कहा कि देखा जाता है कि समझौता किया जाए या लड़ा जाए जो आम एक परसेप्शन है जैसे मरियम साहिबा हैं जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है जो वो बातें कर रही है जो वो रैलियां निकाल रही है रोकने के बावजूद तो कुछ लोगों का ये परसेप्शन है कि वो लड़ाई की तरफ जा रही है और पीपल्स पार्टी के देखते हैं आला क़यादत अब जेलों में लेकिन पीपल्स पार्टी वो लड़ाई नहीं कर रही जो करनी चाहिए एक परसेप्शन की हद तक। चेयरमैन तो हर तीसरे दिन जलसा कर रहे हैं वो रिपोर्ट नहीं होता वो और बात है लेकिन बड़े बड़े जलसे और बल्कि एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी एक कोऑर्डिनेटिंग कमेटी 9 मेंबरान की बनाई है जिसमें शामिल होने का मुझे भी एहसास हासिल है जो कि ये तमाम प्रोग्राम तरतीब दे रही है जो कि ये इन इकदामात की तजावीज़ सामने रख रही है और उस पर पार्टी चल रही है। अच्छा हम ये भी देखते हैं लेकिन जल्दबाजी की कोई इसमें ज़रूरत नहीं होती। देखिए वक्त और तारीख हमारे साथ है हमारे साथ से मतलब ये कि आवाम के साथ है आवाम का शऊर हमारी जद्दोजहद के दौरान अब एक बुलंद सतह पर पहुँच गया है शऊर कभी वापस नहीं आता
और यही शऊर हमारा हथियार है। और हम समझते हैं कि जो लोग मुखालफत कर रहे हैं, कल को उनकी समझ में भी आएगा कि बात जो है वो ऐसे नहीं हो सकती, वो ऐसे होगी। बहुत बड़ी तब्दीली आई है और मैं ख़ास तौर से इस वजह से भी नाउम्मीद नहीं हूँ क्योंकि मैंने बड़े बुरे दौर देखे हैं, मैंने ज़िया के दौर देखे हैं। आज मैं टेलीविज़न पे आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, वो ज़माना मैंने देखा है जब अपने साथियों से बात करते में ख़तरा होता था कि आप मतलब पकड़े जाएंगे या आपको टॉर्चर किया जाएगा या आपको मार दिया जाएगा। यानी हम चार आदमियों की मीटिंग भी करते थे तो वो बड़े छुप के हमें करनी होती थी, सैकड़ों लोग हमारे जेलों में थे, ये थे। तो हमने वो ज़माना देखा है और वो ज़माना एक तरीके से हमारे कारकुनों की तरबियत का ज़माना था और उसमें हमने बहुत कुछ सीखा है। तो अब जो हम देख रहे हैं वो उसके मुकाबले में बहुत कम है। सही, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ज़बान बंदी का जो दौर है ये भी, ये जो तब्दीली सरकार आई है उसमें माजी में इतना नहीं था, इंटरव्यूज़ रोके जा रहे हैं, टीवी चैनल्स की नशरियात बंद की जा रही है, जो पॉलिटिकल लीडरान जो उनके खिलाफ बात कर रहे हैं तो उनको मंशियात के केसेस में अंदर किया जा रहा है। तो पहले तो बहुत ज़्यादा, लेकिन अब भी कुछ ना, तो नहीं बात करने पर सज़ा दी जा रही है ना, वो कंडीशन नहीं है कि आप बात ही नहीं कर सकते। और अब जो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट है उसमें इतनी ताकत नहीं है और अवाम का शऊर इस हद तक बुलंद हो गया है। दूसरे ये कि आलमी हालात बदल गए कि अब इसको रोकना मुश्किल होगा। लेकिन देखते हैं कुछ पीटीएम के ही लोग देख लें किन के प्रोडक्शन आर्डर जारी हो रहे हैं, किन के नहीं हो रहे हैं। वो असेंबली के मेंबरान स्पीकर बोल रहे कि मेरे वश की बात नहीं है, लेकिन आजकल के दौर में भी इस तरह की बातें। गोपांग देखो, चीज़ों को उनकी अहमियत के हिसाब से तरजीह दो। प्रोडक्शन ऑर्डर आप नहीं देंगे, ठीक है, आपका एक जुल्म आश्कार होगा। असल मसला प्रोडक्शन का है कि प्रोडक्शन अगर मुल्क की नीचे जा रही है जैसे कि रोज़ बरोज़ जा रही है और माशी बुनियाद अगर तबाह हो रही है तो फिर हर किस्म की क्राइसिस आएगी जिसको कि कोई नहीं संभाल सकता। हम बुनियाद ये चाहते हैं कि ये जो हमारी बुनियाद है प्रोडक्शन की और ये जो गुर्बत जिस तरीके से फैल रही है, बेरोज़गारी जिस तरीके से फैल रही है, इसको किसी न किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। और वो कैसे कंट्रोल हो सकती है, मतलब आपकी नज़र कुछ? प्रोडक्शन बढ़ाने से। देखिए ना, हमारे मैनिफेस्टो में तमाम तजावीज़ दी हुई हैं कि किस तरीके से हम करेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आपकी जो रिकवरी है वो बहुत जल्द हो जाती है। दो फसलें अच्छी हो जाएं तो आपकी 70% आबादी उसको सहूलत हासिल हो जाती है। उसके लिए आपको बिल्कुल थोड़े बहुत इकदाम करने होते हैं, सपोर्ट प्राइस आप ठीक कर दें। अब जैसे कॉटन पिछले साल 5,000 रुपये पर बेल बिक रही थी, इस वक्त मार्केट उसका 3,700 हो गया है, तो आप 5,500 कर दें तो ना सिर्फ अपने ग्रोअर की आमदनी बढ़ेगी बल्कि जो मुल्क की बरामदात, और क्योंकि कॉटन सबसे बड़ी है, चावल के लिए आप एक सही सपोर्ट प्राइसेस दे दें, दालें जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए सही सपोर्ट प्राइसेस दे दें, और जो कुछ किसानों को थोड़े बहुत कर्जे चाहिए वो आप दे दें, तो ये दो फसलों के अंदर 70% आबादी को रिलीफ मिल जाता है। फिर जो फैक्ट्रियां बंद, देखिए प्रोडक्शन का ऐसा है कि प्रोडक्शन उस वक्त बढ़ती है जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम किया जाए। अगर आप उसके मुखालिफ रुख में जा रहे हैं कि आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, आप टैक्सेस लगा रहे हैं प्रोडक्शन पे, यानी जिसने मुल्क की पैदावार बढ़ाई वो आपका दुश्मन है अगर, और उससे दुश्मनों वाला सलूक हो रहा है, तो पैदावार नहीं बढ़ेगी, लोग अपनी फैक्ट्रियां बंद करेंगे, सरमाया बाहर ले जाएंगे और किसान भी ज़मीन खाली छोड़ देंगे, वो क्या करेंगे आखिर अगर उनकी लागत ज़्यादा है और उस पर आमदनी कम हो रही है। तो आपको ये देखना है कि आप किस सतह पे किस वक्त आप लेना चाहते हैं। क्या आप उस वक्त आमदनी हुकूमत की रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं जबकि एक चीज़ की इब्तिदा हो रही है पैदावारी अमल की, या जिस वक्त वो पैदावारी अमल मुकम्मल हो जाता है उस वक्त आप लेना चाहते हैं। और अगर आप पैदावारी अमल के मुकम्मल होने के बाद टैक्स लेते हैं तो वो उससे कहीं ज़्यादा हो जाए। अच्छा, ये बात ऐसी है जो 650-700 साल पहले इब्न खलदून मुकदमे में लिख चुके हैं कि अगर पत्ते नोच लोगे छोटे पौधे के
और उसको पानी नहीं दोगे, खाद नहीं दोगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, और अगर उसका ख्याल करोगे तो वो बढ़ के दरख्त बनेगा और उससे हर साल फल मिलेंगे। तो यही हालत मईशत की है कि भाई आप पत्ते नोच के ना खाएं, आप बढ़ने का मौका दें उसे। अच्छा, वही अगर इसी तनाजुर में देखें तो जरदारी साहब ने जो कहा था कि नेब और मईशत साथ नहीं चल सकते, तो कुछ लोगों ने कहा कि नेब पे इनका प्रेशर है इसलिए मईशत को नेब के साथ, या जैसे ये नेब की कार्रवाइयाँ हों या ताजरों के हवाले से ये जो धमकी आमेज बयान है कि आप ये कर दो नहीं तो हुकूमत ये कर देगी, आप नहीं तो एस्टेब्लिशमेंट अगर मईशत चला लेता तब ये बात सही होती। लेकिन जो मैंने कहा कि असल मसला तो मईशत का है कि ये गलत रुख के अंदर जा रहे हैं कि हम जो है वो अगर उस गलत रुख के अंदर जाते हैं तो मईशत नहीं संभलेगी। आपने देखा कि इस साल जो टैक्स मिले वो पिछले साल की निस्बत कम थे, ये कभी नहीं होता। आपने एमनेस्टी स्कीम चलाई इस दफ़ा तो उसमें आपको पिछली एमनेस्टी स्कीम से कहीं कम आपको रेवेन्यू हासिल हुआ। अब आप यानी मुखालिफ सिंथ में जा रहे हैं, आपका रेवेन्यू बढ़ने के बजाय गिर रहा है। सूबे सिंध में मुझे थोड़ा सा इत्मीनान है, हरचंद के एक दो टारगेट ऐसे हैं जो इस दफ़ा अचीव नहीं हुए, इकोनॉमिक स्लो डाउन है, लेकिन फिर भी 20-25% हमने सूबाई टैक्सों के अंदर आमदनी बढ़ाई है। तो आपको नए टैक्स लगाने की या टैक्सों की शरह बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हरचंद के मजबूरन इस दफ़ा हमें कुछ बढ़ानी पड़ी है, लेकिन हम हर साल सेल्स टैक्स पे शरह 1% कम कर रहे थे और हमारा सेल्स टैक्स 6 अरब से बढ़ के 91 अरब पहुँच गया था। तो अब ये तमाम चीज़ें कि कलेक्शन को बेहतर बनाएं, प्रोडक्शन को फ़रोग दें, तब जाके आप इतना सरप्लस ले सकेंगे कि जिससे आपकी फॉरेन एक्सचेंज भी ठीक हो सकती है और जिससे आपकी दरामदात भी कम हो सकती हैं और जिससे आपके मुल्क में खुशहाली भी आ सकती है। आप अगर लोगों को बेरोज़गार कर देंगे तो टैक्स किससे लेंगे, सीधी सी बात है। तो इस मुल्क का जैसे हमने स्टार्ट में भी कहा सबसे बड़ा मसला यही है, मईशत भी ज़रूर है या वो है कि इक्तदार असल हुकूमत किसको करनी है वो भी तो तय नहीं हो पा रहा कि पीछ पीछे कौन है, अब तक वो भी तयन नहीं हो पा रहा, 70 साल गुजर गए, इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत करेगी या सिविलियन करेंगे आम लोग। देखिए जो एस्टेब्लिशमेंट है वो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, अवाम के नौकर हैं, जो असेंबली में बैठे हैं लोग वो अवाम के नुमाइंदे हैं। तो अवाम के नौकर अगर अवाम के नुमाइंदों को डिक्टेट करेंगे होता तो, है। तो वो चीज़ नहीं चल सकेगी। लेकिन ये कि अवाम के नुमाइंदों को अगर मौका मिलता है और उन पे अवाम की सुपरविज़न रहती है, उन पे मॉनिटरिंग अवाम की रहती है कि भाई ये ठीक नहीं कर रहे आप और इसको ऐसे होना चाहिए, तो फिर काम ठीक ठीक होता है। अगर ये आप नहीं करते, क्योंकि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उस पर तो आप किसी का वही नहीं मॉनिटरिंग, कौन मॉनिटरिंग करेगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मिनिस्टर कहता है और ग्रेड 17 का आदमी कहता है नहीं मुझे ये करना है। अच्छा, अपने तजर्बे की बुनियाद पे अगर बात निकली, आपसे समझना चाहेंगे हम, जाहिर सी बात है स्टूडेंट है, कि कितने अदवार आपने ऐसे देखे जब पॉलिटिकल जो लीडरशिप थी वो ऊपर थी और इस्टेब्लिशमेंट जो थी उनकी बात मानती, या इस्टेब्लिशमेंट की ज़्यादा हुकूमत रही है पॉलिटिकल लोगों की कम रही है, कितने ऐसे अदवार इस मुल्क में रहे होंगे? देखिए मतलब दो तरीके हैं, ये दो पोल्स ऑफ पावर हैं, एक है इस्टेब्लिशमेंट एक है अवाम। तो जब इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे या वो ख़ुद अपने साथ, तो उसको हम आमरियत कहते हैं कि उनके लाए हुए लोग हों सामने या वो ख़ुद हों, तो वो आमरियत है। जिस वक्त के अवाम के नुमाइंदे जो अवाम को जवाब दे हैं वो बरसर इख्तदार हों, तो उसको हम जमहूरियत कहेंगे। जमहूरियत में इस मुल्क की बका है, इस पे अब कोई सवालात नहीं है कि हाँ। तो अब अगर हम देखें शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर का जो डेवलपमेंट है, या बीबी बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जिस तरीके से किया, या अब आसिफ ज़रदारी साहब ने किस तरीके से सबको साथ लेके मसाइल को हल किया, 18वीं तरमीम आई, NFC आई और बहुत सी चीज़ें आईं। तो और होता यही है कि जब भी मुंतखब नुमाइंदे मिल के बैठते हैं
तो कोई ना कोई हल जो है वो निकल आता है। पिछले दिनों मुराद अली शाह साहब ने भी यही कोशिश की है कि हाँ, कराची के मसाइल पे बहुत शोर होता था, उन्होंने सबको साथ बिठाया, परसों भी पानी के हवाले से सबको साथ बिठाया और सबको साथ बिठा के जो भी मसाइल थे वो सामने रखे, जो उनकी सोच थी वो सामने रखी, दूसरों से मशवरे लिए और फिर न सिर्फ फैसले हुए बल्कि एक कमेटी बना दी गई उन फैसलों पे अमल दरामद की नगहदाश्त करने के लिए। तो क़यादत का, लीडरशिप का काम यही है कि लोगों को मुत्तहिद करे, और हमारा इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे सैयद मुराद अली शाह साहब का आपने हवाला दिया, इसी तरह से जरदारी साहब ने मीसा के मईशत की आफ़र की लेकिन वो बात ना मानी गई, हम उससे भी आपसे ज़रूर उस पर भी बात करेंगे। मुख्तसर से एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे, नाज़रीन ते वठो दा मुख्तसर ब्रेक, एंड ब्रेक खां पोए गाल बोल सिलसिले के असीं इतना खां वरी कंटिन्यू कंदासीं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक भेरो बीहर अवे भलीकार चूं था, साईं ताज हैदर साहब असा गड आइन, उन्होंने असि गाल बोल हले पे। सर, जैसे हमने ब्रेक से पहले कहा, मीसा के मईशत एक बहुत अच्छी ऑफर थी लेकिन उनसे हुक्मरानों ने फ़ायदा नहीं लिया, जो वक्त के हुक्मरान हैं, और उसकी मजाक भी उड़ाई गई कि ये मतलब NRO लेना चाहते हैं या इस तरह की सूरत हाल। तो अगर ये इस तरह की तजवीज़ वो कबूल कर लेते तो मीसा की मईशत क्या होती, उसके खदो खाल क्या होते, कुछ उस पर काम भी हुआ था या जस्ट स्टेटमेंट थी ये? देखिए, हमारे मंशूर में मईशत पे सारी तजावीज़ दी हुई हैं और बड़ी तफसील के साथ तजावीज़ दी हुई, लेकिन हो सकता है कि वो तजावीज़ बेहतरीन ना हो, उनमें कोई कमी रह गई हो, उसको बेहतर बनाया जा सके, और इसलिए मंशूर में हमने ये तसव्वुर दिया था कि एक पार्लिमानी कमेंट्री हो जो कि माशी एजेंडा, एक मुत्तफिक माशी एजेंडा बनाए और उस पर अमल दरामद हो। अच्छा, हम समझ रहे थे कि हम दूसरों को, क्योंकि अगर आप एक ऐसी बात कर रहे हैं जो समझ में आती है तो आप मुत्तफिक कर सकते हैं दूसरों को भी, और एक ऐसा माशी आप तो देखें कि पहले भी यही कोशिश हमने की थी, जब 88 की हमारी गवर्नमेंट बनी, हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लोगों को लिया और वहाँ तक गए कि मईशत के पोर्टफोलियो भी उन्हें दे दिए भाई। लेकिन इसमें जो मसला आता है वो सिम्त का है, डायरेक्शन का, कि अगर आप एक सिम्त में जा रहे हैं और हम दूसरी सिम्त में जा रहे हैं तो फिर एक इत्तेफाक होना मुश्किल होता है। सिम्त से मेरा मतलब ये है कि अगर आप इस सिम्त में जा रहे हैं कि हाँ, मुल्क की प्रोडक्शन नहीं बढ़ती तो ना बढ़े, हम दरामदाद से काम चला लेंगे, अगर कमी होती है हमारे रेवेन्यू में या एक्सपोर्ट के अंदर तो हम कर्ज़े ले लेंगे, अगर आप ये सिमत इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन मुल्क तरक्की उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक अमीर और ज़्यादा अमीर हो और ना हो और गरीब और ज़्यादा गरीब ना हो। तो ये एक इकनॉमिक मॉडल है जो दाएं बाजू का इकनॉमिक मॉडल है, जो IMF का और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का है। मोहतरम इसहाक डार भी वहाँ खड़े हुए पार्लियामेंट में, मूडीज़ ने ये कहा है, फलाने ने ये कहा है, वर्ल्ड बैंक ने हमारी रेटिंग ये कर दी। मैंने कहा जनाब अली, हमारा इनसे क्या वास्ता? कल परसों में ऐसी खबरें चलें कि खान साहब जो हैं मुल्क के पॉपुलर हैं, हमारा इससे क्या वास्ता? हमें तो ये बताइए कि लोगों की उजरतें कितनी बढ़ी, आप मुनाफा बढ़ा के GDP को आगे ले जाते हैं, हम उजरतें बढ़ा के ले जाते हैं, और जिस वक्त गरीब आदमी की जेब में कुछ पैसे आते हैं तो वो बाज़ार जाता है, कुछ ख़रीदता है, जब वो कुछ ख़रीदता है तो मईशत जो है वो चलती है और रेवेन्यू भी आपका बढ़ता है और प्रोडक्शन भी आपकी बढ़ती है। यही हमारा मॉडल है। हम कहते हैं कि जब ये अमीर और गरीब का फ़र्क कम होगा, वो एक शर्त अव्वल है मईशत के आगे बढ़ने के लिए, कि गरीब की कुव्वत ख़रीद बढ़े और उनकी जो पैदावारी लागत है वो कम हो। ये हम समझते हैं कि एक, और उसी से आपने देखा कि 4 साल के अंदर हम अपनी एक्सपोर्ट को 25 बिलियन तक ले गए, जो उसके बाद फिर नहीं मिली। इस वक्त तक हमारी 50-60 बिलियन हो जानी चाहिए थी इसी रफ्तार से। दूसरे जो हैं वो दूसरे रुख में जाते हैं कि नहीं, ये हमारा मसला नहीं है, लोगों के माशी हकूक और ये और वो ये, हम बस वो, बल्कि मैं
पार्टी उस वक्त बनी नहीं थी और हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गुलेराना क्लब में मेराज मोहम्मद खान साहब ने अपनी NSF का जलसा किया था, शहीद तशरीफ़ लाए थे और उसमें की नोट है उनका की तकरीर थी और उसमें उन्होंने अयूब खान की हुकूमत की इकनॉमिक पॉलिसी पे तनकीद करते हुए शुएब साहब जो उसके वज़ीर ख़जाना थे उन्होंने कहा शुएब साहब सोचते हैं कि इस सरमायादारी की बत्तख को खिला खिला के मोटा किया जाए, फिर ये कोई सोने का अंडा देगी, जब ये सोने का अंडा देगी तो वो हम लोगों में बांट देंगे। कह लिए शुएब साहब ये भूल गए हैं कि ये बत्तख कब की कुड़क हो चुकी, इसको जो हाथ खिलाता है ये उसी पे चोंच मारती है, तो ये बत्तख कुड़क है, ये काम नहीं करेगी, अब हमें दूसरी चीज़ें सोचनी है। तो हमने दूसरे हल सोचे। मेरे ख्याल से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो बीबी साहिबा ने सोचा था कैसर बंगाली साहब का, उसमें बहुत बड़ा हाथ था कि हम बराह रास्त लोगों को के साथ तआवुन करें तो उससे उनके मसाइल थोड़े से कम हो जाएंगे। मेरे ख्याल से ये एक इंतहाई कामयाब प्रोग्राम है और इससे गरीब की कुव्वत ख़रीद उस हद तक नहीं गिरी है जिस हद तक वो गिर सकती थी। अच्छा, फिर इस पे कुछ लोगों का ये भी है कि एक तरफ आप इनको सिलेक्ट हुकूमत भी कहते हैं, सिलेक्टेड वज़ीर, दूसरी तरफ आप उनके साथ बैठकर मईशत की बातें भी कहते हैं। अगर आप उनको सिलेक्टेड ही समझते हैं तो फिर उनसे बैठकर बातचीत करना ये क्या सही होगा मईशत पर? वो तो वो राज़ी नहीं हुआ, अगर हो जाते तो? देखिए, आपको एंगेज ज़रूर करना होता है सियासत में, और मैं बिल्कुल अर्ज़ करूँ एक मौका ऐसा आया कि जब हमें पता था कि ये जमात अब डिक्टेटरों के साथ समझौता कर चुकी है और उनको फिर हमने अपने साथ बिठाया। सबसे ज़्यादा मुखालफत मैं कर रहा था क्योंकि मुझे मखदूम अमीन फ़हीम साहब को और निसार खोड़ो साहब को एक नशिस्त में बताया गया था कि इनका समझौता हो चुका है फौज से। मैं अपने कह रहा नहीं जनाब, इनसे हम कैसे साथ बात करें, ये वो। सबसे ज़्यादा मुखालफत मैं कर रहा था। फिर जो मीटिंग हुई हमारी मखदूम अमीन फ़हीम साहब मोहतरम मरहूम की सदारत में, उसमें मैंने कहा कि नहीं, समझौता कर लीजिए। हाँ, अब कोई हमारी जो कमेटी थी उसके 7 मेंबर थे, मखदूम साहब कहने लगे ताज साहब एक कल शाम तक तो आप हमसे ये कह रहे थे, ये आज कैसे आप कह रहे हैं? तो मैंने मोहतरमा का एक ईमेल आया था वो दिखाया। मोहतरमा ने मुझे लिखा था कि हाँ वो हमें छोड़ के उनसे मिल गए हैं, तो क्या हमें उन्हें वापस बुलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? यानी ये एक ऐसी चीज़ थी कि जिसका मेरे पास जवाब नहीं था। उन्हें वापस बुलाया गया, साथ रखा गया और फिर आपने देखा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक बड़ा इनकलाबी कदम है जिसकी वजह से मुल्क जमहूरियत मुमकिन हुई। तो ये जो है ना कि आप एंगेज करें। अब बहुत से लोग एतराज़ करते हैं, जी आप पख्तून तहफ़ मूवमेंट से क्यों बात करते हैं? जी मुझे भी बड़े तहफ़ात हैं क्योंकि कोई ऐसी तंजीम जिसके पास मेहनत कश आवाम के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है तो उससे बात करना और उसको साथ लेना वो एक मसला खड़ा कर सकता है, लेकिन उनको साथ लेंगे तब मेहनत कशों के लिए वो प्रोग्राम बनाएंगे ना। या जैसे इस वक्त चेयरमैन साहब के लिए एक हो रहा है सेनेट के चेयरमैन के लिए, इसमें भी एंगेज करना तो ज़रूरी है ना। एक तजर्बा और सही। अच्छा, आप जरदारी साहब की आज की अगर स्टेटमेंट अगर हम देख लेते हैं तो उन्होंने ये कहा है कि नवंबर तक की डेट दे दी है कि ये खान साहब के पहले ये बात चली थी खान साहब नहीं जाएगा और कोई वजीर, लेकिन जरदारी साहब तो बोल रहे हैं ये हुकूमत ही जाते हैं उनको नज़र आ रही है 4-5 महीने में। तो आप भी ये सही समझ रहे हैं ये हुकूमत जाएगी तो फिर उसका सलूशन क्या होगा, नए इंतखाबात या फिर? देखिए, इस हुकूमत को जो लोग लाए हैं उसके लिए ये बड़ी लाइबिलिटी बन गई है और उसमें जिस हिसाब से चीज़ें जा रही हैं और जो लोगों की मुश्किलात हैं तो उसमें कोई ना कोई हल निकालना होगा। वो हल इस तरीके से नहीं निकलता कि आप कहें कि जी IMF हमें पैसे भेज देगी और एशियन बैंक से हमारे ये आ जाएंगे, फलाने आ जाएंगे। आपका जो हल है वो वही है कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ाई जाए, पैदावार कैसे बढ़ाई जाए और आपको ये स्टेप्स लेने होंगे, लोगों की बेरोज़गारी कैसे ख़त्म की जाए और किस तरीके से हम। अब देखिए ना,
हर जगह रिट्रेंचमेंट हो रहा है, हर जगह रिट्रेंचमेंट हो रहा है। ये जो है ये बड़ी मतलब मेरे पास कुछ बची खुची रकम है, मेरा गुजारा हो जाता है, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई सेविंग है कि जिस पर वो गुजारा करें। अखराजात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बल्कि मैं बताऊँ, मेरी वाइफ तक बड़ी नाराज़ हो रही थी कि जो 7-7.5 हज़ार का सामान महीने भर का आता था वो 13 हज़ार का आया। तो अब इसको गई, वो उन्होंने एक कमीज़ खरीदी तो वो कहने लगी जी 500 रुपये इस पर मजीद दीजिए सेल्स टैक्स। तो वो कहने लगे ये क्या हो रहा है। तो अब ये तमाम चीज़ें जो हैं ये तो आम जो लोग हैं उन पर तो बहुत है। अच्छा सर, हमारे पास टाइम भी कम है, तो वाकई ये हुकूमत जा रही है, अगर जा रही है तो फिर क्या, फिर गैर यकीनी वाली सूरत हाल पहले ही जैसे हमने स्टार्ट में कहा तो और बढ़ जाएगी, क्या सलूशन होगा? नए इंतखाबात की है पोजीशन ऐसी कि नए इंतखाबात हो पाएँ? ये जो है अगर सिस्टम के अंदर रहते हुए ये तमाम चीज़ें हों तो बेहतर है कि कोई इन हाउस तब्दीली हो जाए। मैं नए इंतखाबात उस वक्त तक नहीं चाहता जब तक कि नई मर्दमशुमारी नहीं हो जाती, क्योंकि जब तक कि नई मर्दमशुमारी नहीं होगी सही उसूल पर डिफेक्टो बेसिस पे, उस वक्त तक सूबों को उनके हकूक नहीं मिलेंगे। मैं समझता हूँ कि हमारे सिंध के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की गई है, हमारी आबादी कम दिखाई गई, और जितने भी लोग यहाँ आए हैं अपने इलाकों को छोड़ के और यहाँ सिंध में आबाद हुए हैं उनको उन्हीं के सूबों के अंदर शुमार किया गया है, सिंध की आबादी में शुमार नहीं किया गया। तो इस वजह से 40-50 अरब का हमें इस NFC फार्मूले के तहत तमाम हो रहा है। फिर दूसरे सूबे, अच्छा ये लोग क्यों आए हैं? ये लोग इस वजह से आए हैं कि दूसरे सूबों में कोई मौके रोज़गार नहीं है, दूसरे सूबों में सेहत के तालीम के, इस वक्त सिंध के अस्पतालों में 60% मरीज़ दूसरे सूबों से आए हैं, बल्कि दूसरे मुल्कों से, अफ़गानिस्तान से आते हैं, ईरान से आते हैं, इंडिया से आते हैं, और क्योंकि यहाँ पे इलाज मुफ्त हो रहा है तो कौन अपने मरीज़ को 1000 किलोमीटर सफ़र करा के लाएगा यहाँ पे, जैसे ही आना पड़ता है। फिर वो आते हैं तो उनके साथ तीमारदार भी आते हैं, ज़ाहिर है कि तीमारदार भी आएंगे, उनके खाने का भी कुछ ना कुछ इंतज़ाम हो जाता है, यहाँ ऐसी अंजुमनें हैं, कहाँ ठहरेंगे वो? मस्जिदों में बेचारे गरीब सोते हैं वहाँ पे, और सुबह ही फजर से पहले जो है वो अपने निकाल दिए जाते हैं वहाँ। अच्छा सर, अगर देखें जरदारी साहब भी अंदर हैं, नवाज शरीफ साहब और भी बहुत सारे लोग हैं, ये जो मेन दोनों पार्टियों के हेड अगर हम कहें, तो क्या उनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? जरदारी साहब ने तो ये कह दिया है आज के बिलावल और मरियम का फ्यूचर है, तो ये क्या जेल में ही रहेंगे? पीपल्स पार्टी इनको नसीब का हिस्सा समन के खामोश बैठी रहेगी कि चलो गिरफ्तारियाँ होती जाएँ? आगा सराद रानी और शर्जील से सिलसिला शुरू हुआ जरदारी साहब तक और फरियाल साहिबा तक, कभी आपने जरदारी साहब के चेहरे पे कोई परेशानी देखी कि वो उनकी तो हंसी नहीं रुकती? शेख रशी जैसे बंदा बोल रहा है कि वो कमरा खाली नहीं कर पा रहे, नहीं तो शायद खाकान कहे तो कब से कब की बारी आ चुकी होती, उन्होंने जमानत वाली दरख्वास्त वापस ले ली जर। हाँ, वो उन्होंने दिखाया कि भाई यहाँ से कोई भी इंसाफ की वो नहीं है उम्मीद, तो वहाँ आदमी क्यों उनसे कोई दरख्वास्त करे ये करे, ठीक है जैसा भी है। और उनके चेहरे पे आपने जाहिर है कि जो शख्स पहले 13 साल गुजार चुका है जेल में, बुनियादी सवाल ये है कि आपने उठा के किसी को जेल में डाल दिया एक ऐसे केस में जो कि साबित नहीं होता, तो कसूरवार कौन है? और मैंने अपनी पार्टी को यही तजवीज़ दी है कि बिल्कुल जैसे झूठी गवाही सेक्शन 193 के तहत काबिल सज़ा जुर्म है 7 साल की जेल है, और मोहतरम चीफ जस्टिस इस पर बहुत ज़ोर दे रहे हैं कि झूठी गवाही को रोका जाए, मैं उनसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप 4-5 झूठे गवाहों को सज़ा दे दें तो ये रुक जाएगा। इसी तरीके से कानून पास किया जाए झूठे केस बनाने पे कि उसमें भी 7 साल की कैद हो, तो फिर ये झूठे केस नहीं बनेंगे। बहुत से तरक्की याफ्ता मुअज़्ज़म मुल्कों में तरीका ये है कि तमाम एविडेंस को वकला बैठ के पहले छान पटक के देखते हैं कि ये कोर्ट में जाने के काबिल है या नहीं, और अगर वो नहीं है तो फिर वो कोर्ट में नहीं जाते, तो कोर्ट पे भी प्रेशर नहीं पड़ता और कन्विक्शन रेट भी ऊपर चला जाता है। तो यही बात है कि अगर झूठा केस कोई डाले तो उसको भी सज़ा उसी तरीके से दी जाए जिस तरीके से झूठी गवाही के लिए मैंने
اپنی پارٹی کو یہی مشورہ دیا ہے۔ اچھا سر، آخر میں ہمارے جو لوگ ہیں، جیسے ہم بول رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے عام لوگ تو اتنا ان کا شعور تو ہم نہیں کہہ سکتے کم ہے، لیکن بڑے شعور ہے، لیکن پھر بھی ایک پریشانی کا عالم تو ہے، غیر یقینی ہوئی کہ کیا ہم، تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، کیا آپ کو سلوشن نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں، حکومت اگر جائے گی بھی تو پھر کیا ہوگا، یا یہ صورتحال اسی طرح چلتی رہے گی اور پانچ سال اور پھر؟ دیکھیے، ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہم نے ایک فریم ورک بنا کے دیا کہ منشور میں ہم نے جو باتیں رکھی ہیں معیشت پہ، تو سندھ کی حد تک کم از کم ان کو ہم تھوڑا بہت چلائیں اور سندھ میں پروڈکشن کو بڑھائیں اور آمدنیوں کو بڑھائیں۔ تو چیئرمین بلاول صاحب نے فوراً ہی اس پہ کارروائی کی، آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ، اور پھر ایک اسپیشل اسسٹنٹ جو کہ ہمارے منشور کی تیاری میں شامل تھے، اسپیشل اسسٹنٹ کو اس مقصد کے لیے متعین کیا کہ وہ منشور میں جو ہم نے باتیں کہی ہیں۔ تو اب یہ جو تین اسپتال واپس ہوئے ہیں فری علاج کے لیے، میں اسے کامیابی سمجھتا ہوں۔ اس طریقے سے ہمارا بھوک مٹاؤ پروگرام ہے، اس طریقے سے ہمارے سندھ پیپلز ہیلتھ پروگرام ہے، دوسرے پروگرام ہے، یہ اگر ہم چلاتے ہیں اور اگر ہم انسینٹیوز دیتے ہیں، لیکن بات یہی ہے کہ آپ پھٹی کی قیمت بڑھائیں، ہم بڑھا دیں گے، لیکن دوسرے صوبے اگر نہیں بڑھاتے تو کیا ہوگا؟ تو یہ تمام جو ہیں یہ مشکلات ہمارے سامنے ہیں۔ اور پھر جو ہمارے وسائل میں کٹوتی لگی ہے، مالی وسائل میں، وہ ہمارے لیے بہت پریشان کن ہے کہ ہم ترقیاتی پروگرام اس حساب سے نہیں چلا سکتے جیسا کہ ہم نے پلان کیا ہے۔ اب مراد تو بڑے خوش ہو کے کہ ہاں جی 830 روپے انہوں نے کہے ہیں کہ وہ آپ کو آئیں گے، تو ہم 830 ارب روپے ڈال دیے انہوں نے، کتنے آئیں گے، اس میں کتنے آپ کو پروگرام کاٹنے پڑیں گے، وہ ابھی دیکھنے کی بات ہے، خدا کرے 830 کے بجائے 840 آ جائیں، لیکن یہ سوالات ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا اپنا۔ دیکھیں، ایک چیز میں گوپانگ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جب بھی معیشت میں سلو ڈاؤن ہوگا تو نہ ریونیو آ سکتا ہے نہ ایکسپورٹس ہو سکتی، معیشت میں تیزی آئے گی تو ہر چیز ہوگی۔ بہت شکریہ تاج صاحب۔ نظر ہی ہوئی اساں جی اج جی جگہ مختصر گال بول، اساں معیشت تے بھی گلائیو سی، ملک جی کا سیاسی صورتحال ہے ان تے بھی گال بول تھی، ان جگہ غیر یقینی ہے مانن میں ایکڑی چھا تھن ان پہ، تاج صاحب کافی پر امید ہیں، ان کے لگے تو حالات بہتر تھے، گڈو گڈ بالکل یہ گال بھی ہے تے ہن وقت الیکشن جڑی صورتحال نظر تے کان تھی چے، جس تائیں تاج صاحب چوندا تے آدم شماری نئی نتھی تھے، جگہ زیادتی تھی ہے صوبن سا اسپیشلی سندھ سے، تیس تائیں نئی الیکشن تھن بھی نہ گھرجے، ان ہاؤس سیکری کا تبدیلی تھے پی تو وہ بہتر ہوں۔ اج پروگرام میں فی الحال اترو ہی، ڈیندا اجازت، اللہ نگہبان۔